हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक नंबर वन कंपनी बताऊंगा, निफ्टी 50 का स्टॉक बताऊंगा, लार्ज कैप कंपनी बताऊंगा। भाई कीड़े मकोड़े वाला भाई शेयर कभी मत खरीदना, वरना आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। मैं जानता हूं अभी मार्केट में जब तेजी होगी ना, तो बहुत सारे नए इन्वेस्टर आएंगे और वो क्या करेंगे, कीड़े मकोड़े वाले शेयर में पैसा लगा देंगे और वो पैसा भी नहीं बना पाएंगे। मार्केट भाई ऐसा तो है नहीं कि हमेशा तेजी ही रहती है, मंदी भी आती है। तो मंदी में क्या होता है, कीड़े मकोड़े वाले शेयर जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, आप लोग को भी पता है। आप लोग अगर ट्रैप होते हो भाई तो फिर वही हाल हो जाएगा जो अभी आपका है। और ये भाई हमेशा होता है, हर 2-3 साल में ये सब कीड़े मकोड़े निकल आते हैं। तो आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा लगेगा, ऐसी कंपनी में फंसने की कोई जरूरत नहीं है भाई, वरना आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसका ईयर टू रिजल्ट देख लेता हूं। और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक और उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिएगा, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिएगा। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, उनकी प्रोडक्ट अच्छी है, उनकी सर्विसेज अच्छी है, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है। और भैया जब कोई कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही भाई लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। आप लोग अपनी पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल के आधार पर किसी स्टॉक को जगह दो, वरना आप लंबे समय तक पैसा नहीं बना पाओगे। तो देखो भाई नेट सेल टर्नओवर मार्च 15 में था वो 200.24 था, मार्च 15 में 200.24 था, और मार्च 19 में देख लो 423.05 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है। ईयर टू ईयर वाइज 200 से 423 हो चुका है भाई। इन 5 सालों में इसका नेट सेल डबल से भी ज्यादा हो चुका है। टोटल इनकम देख लो भाई, टोटल इनकम भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो टोटल इनकम था वो 211.66 था, मार्च 15 में 211.66 था, और मार्च 19 में देख लो 448.56 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है। ईयर टू ईयर वाइज 211 से 448 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप खुद भी यहां पे देख सकते हो भाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 149.22 था, मार्च 15 में 149.22 था, और मार्च 19 में देख लो 302.03 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ईयर टू ईयर वाइज 149 से 302 हो चुका है भाई। इन 5 सालों में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल हो गया है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो एबिटा था वो 160.64 था, मार्च 15 में 160.64 था, और मार्च 19 में देख लो 327.54 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है। ईयर टू ईयर वाइज 160 से 327 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एबिटा, ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस को देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 125.93 था, मार्च 15 में 125.93 था, और मार्च 19 में देख लो 307.17 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है। ईयर टू ईयर वाइज 125 से 307 हो चुका है भाई। रिपोर्टेड पैट देख लो, पैट भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो पैट था वो 125.93 था, मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 307.17 हो चुका है। एनुअल ईपीएस देख लो भाई, एनुअल ईपीएस भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में जो एनुअल ईपीएस था वो 7.91 था, मार्च 15 में 7.91 था, और मार्च 19 में देख लो 19.30 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एनुअल ईपीएस है। ईयर टू ईयर वाइज 7 से 19 हो चुका है भाई। तो मुझे इसका ईयर टू रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस कंपनी में पैसा लगाइए, बजाज ग्रुप की कंपनी है भाई, बजाज फाइनेंस का बाप है ये, इस कंपनी में आपका पैसा भी सेफ रहेगा। तो भाई कंपनी का नाम है बजाज फिनसर्व लिमिटेड, निफ्टी 50 का स्टॉक है, नंबर वन कंपनी है,
बजाज ग्रुप ही कंपनी है, बजाज फिनसेक के अंदर ही भाई बजाज फाइनेंस आता है, बजाज की जो भाई जेंस कंपनी है वो भी आती है और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो भी आती है। अभी भाई ये सब कंपनी तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले सालों में भी बजाज की जो जेंस कंपनी है और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो भी लिस्ट हो सकती है। अब भाई मैं बताऊंगा नहीं कि कब लिस्ट होगा, क्योंकि मुझे खुद भी पता नहीं है। और भी भाई बजाज फिनसेक के अंदर कई सारी कंपनी आती है, जैसे इनका भाई एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है, वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है, तो ये सब कंपनी भी बजाज फिनसेक के अंदर ही आता है। इसलिए भाई हम लोग बोलते हैं बजाज फाइनेंस का जो बाप है वो बजाज फिनसेक है। और भैया बजाज फिनसेक का भी बाप है, उसका भाई नाम है बजाज की जो होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो भी लिस्टेड है। लेकिन भाई मुझे तो बजाज फिनसेक बहुत ही पसंद है, ये सेफ कंपनी है भाई। इस कंपनी में ना तो एनपीए बढ़ने का खतरा है, नहीं तो एसेट क्वालिटी खराब होने का खतरा है। तो इस कंपनी में पैसा लगाइए, बजाज फाइनेंस से ज्यादा सेफ भाई बजाज फिनसेक है। लेकिन भैया आपको बजाज फाइनेंस ज्यादा रिटर्न बना के देगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ और ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। बजाज फिनसेक लिमिटेड अब तक किस तरह से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, वेल्थ क्रिएट करके दिया है भाई। तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 2758.38% रिटर्न है, जो कि फ्रेंड बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा 10 साल में। सेंसेक का रिटर्न है वो 127.07% रिटर्न है। मैं भाई आपको कुछ बताना चाहता हूँ, नोटबंदी से पहले जब बजाज फाइनेंस का प्राइस 8800 रुपये के आसपास था तो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, बोनस और स्प्लिट का भाई अनाउंसमेंट किया गया था। तो मुझे लगता है कि बजाज फिनसेक का भी प्राइस 8 या 9 हज़ार के आसपास आता है तो कॉर्पोरेट एक्शन हो सकता है, बोनस और स्प्लिट हो सकता है, देखिए आगे क्या होता है। 3 साल में देख लो भाई, 3 साल में बजाज फिनसेक ने बहुत ही अच्छा टर्न बना के दिया है। तो देख सकते हो 3 साल में टर्न है वो 148.29% है, सेंसेक का टर्न है वो 33.28% है। 1 ईयर में देख लो भाई, 1 ईयर में टर्न है वो 21.94% है, सेंसेक का टर्न है वो 2.41% है। ईयर टू डेट में देख लो भाई, ईयर टू डेट में टर्न है वो 18.76% है, सेंसेक का टर्न है 5.40% है। 1 मंथ में देख लो भाई, 1 मंथ में 6.43% है, सेंसेक का टर्न है 1.84% है। 1 वीक में देख लो, 1 वीक में 4.24% है, सेंसेक का टर्न है 1.68% है। 1 डे में देख लो भाई, फ्राइडे को ये स्टॉक लगभग 7% रिटर्न बना के दिया है। तो भैया आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाइए भाई, इस कंपनी में आपका पैसा सेफ रहेगा। बजाज फाइनेंस से भी ये सेफ कंपनी है, भले ही रिटर्न ज़्यादा बना के देता हो लेकिन भैया सेफ कंपनी तो बजाज फिनसेक ही है। बजाज फिनसेक का मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ। तो देखो भाई प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 60.71% होल्डिंग है, FIS का जो होल्डिंग है बजाज फिनसेक लिमिटेड में वो 8.9% होल्डिंग है। आने वाले समय में इस कंपनी में FIS की होल्डिंग और भी इंक्रीज हो सकती है। म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है बजाज फिनसेक में वो 3.45% होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है बजाज फिनसेक में 2.39% होल्डिंग है। अदर DF पे जो होल्डिंग है 0.41% होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है बजाज फिनसेक में वो 24.14% होल्डिंग है। कोई भी शेयर बजाज फिनसेक का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बजाज फिनसेक का। बजाज फिनसेक का पी रेशियो है वो 37.87 का पी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू है बजाज फिनसेक का 5.16 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड जो है बजाज फिनसेक का भाई वो बहुत ही गंदा है, 0.03% का है। ROE जो लेटेस्ट है बजाज फिनसेक का वो 13.54% का है। वैल्यूएशन देख लो भाई वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है। तो भैया मैं आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी का प्राइस जब 2000 रुपये था ना तभी एक्सपेंसिव ही था और आज भी एक्सपेंसिव ही है और आगे भी एक्सपेंसिव ही रहेगा, क्योंकि ये क्वालिटी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है, निफ्टी 50 का स्टॉक है। ऐसी भाई कोई निफ्टी 50 में स्टॉक नहीं आ जाता है और ये कंपनी निफ्टी 50 में आने के बाद भी रिटर्न बना के दे रहा है। क्वालिटी भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखो भाई गुड बता रहा है, सेल्स ग्रोथ जो 5 ईयर का है बजाज फिनसेक का वो 48.50% का है, जो कि फ्रेंड बहुत ही अच्छा है। 48% का सेल्स ग्रोथ भाई कम नहीं होता है। एविड ग्रोथ देख लो वो भी भाई बढ़िया है, 27.10% का है। तो भैया मुझे इसका सेल्स ग्रोथ एविड ग्रोथ 5 ईयर का बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो।
यहाँ पे भी आप देख सकते हो बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने किस टाइप से रिटर्न बना के दिया है। तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 2758% रिटर्न है, 5 साल में 612% रिटर्न है, 3 साल में 148% रिटर्न है, 1 ईयर में 21% रिटर्न है, ईयर टू डेट में 18% रिटर्न है, 1 मंथ में 6% रिटर्न है, 1 वीक में 4% रिटर्न है। तो देख सकते हो भाई ये कंपनी बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न बना के देती है। तो आप सभी लोग इस कंपनी में पैसा लगाएं, ऐसी कंपनी भाई खरीदोगे ना तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा हर ही निशान में रहेंगे। बजाज फिनसर्व लिमिटेड का 52 वीक हाई है वो 8577.05 रुपया, 52 वीक लो है 4960 रुपया। बजाज फिनसर्व का भाई मार्केट कैप देख लो, अच्छा खासा मार्केट कैप है 1,22,448। तो भैया आने वाले समय में इस कंपनी का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ का भी होगा, 2 लाख करोड़ का भी होगा। तो आप लोग अभी से पोजिशन बना के रखिए। बजाज फिनसर्व का जो भाई पी है वो 406 का पी है, इंडस्ट्री जो भाई पी है वो 30.52 का। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले बजाज फिनसर्व का पी बहुत ही हाई है, लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है या फिर आगे रिटर्न बना के नहीं देगा, यही सब कंपनी भाई रिटर्न बना के देगा। आप पी के चक्कर में रहिएगा ना तो कभी भी इन सब कंपनी में पैसा लगा ही नहीं पाइएगा, आपको लगेगा सब बहुत महंगा स्टॉक है, बहुत महंगा स्टॉक है। लेकिन ये सब स्टॉक तो भाई चलता ही जाएगा, रुकेगा थोड़ी है ना। मार्केट में करेक्शन हुआ था जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आया था, अदरवाइज ये सब स्टॉक भाई नीचे आता ही नहीं है। बुक वैल्यू जो है बजाज फिनसर्व का वो 198.63 का बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड बजाज फिनसर्व का वो 0.03% का है, जो कि भाई बहुत ही गंदा है। फेस वैल्यू 5 का है। बजाज फिनसर्व का भाई आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया सा ग्राफ दिख रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ इस कंपनी का ग्राफ आगे भी ऐसा ही बनेगा। 2012 भाई इस कंपनी का जो प्राइस था वो 447 रुपये कुछ था, और अभी देख लो भाई ये स्टॉक बहुत ही ऊपर आ चुका है। तो खरीदिए, सब क्वालिटी कंपनी है भाई। तो भैया आप लोग बजाज फिनसर्व लिमिटेड को अपनी पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए जगह दीजिए भाई। ये जीरो डेट फ्री कंपनी है जो आने वाले सालों में कई गुना टर्न बना के देगा, और सबसे बड़ी बात इस कंपनी में आपका पैसा सेफ रहेगा। निफ्टी भाई अगर 5000 पॉइंट में नीचे गिर जाता ना है तब भी इस कंपनी में आपका पैसा सेफ है। तो भैया ये क्वालिटी कंपनी है, बजाज फिनसर्व से भी बढ़िया कंपनी है। भले ही बजाज फिनसर्व ज़्यादा टर्न बना के देता हो लेकिन भैया इस कंपनी में आपका पैसा सेफ रहेगा, कभी भी इस कंपनी पैसा आपका नहीं डूबने वाला है। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल बटन प्रेस करना, बेल बटन प्रेस नहीं करो भाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाएं तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।